स्टूडेंट्स इट ग्रेड सिक्स चैप्टर 9.1 एक्सरसाइज डे 33। अब इसमें हम देखेंगे डेटा हैंडलिंग के बारे में हम पढ़ रहे थे। डेटा हैंडलिंग में डे 34 है। डेटा हैंडलिंग में हम बता रखे हैं कि कैसे हम नंबर्स नाइन मतलब ग्राफ कैसे बनाएंगे, टेलीमार्क्स क्या होता है और हम क्या इसमें बता रखा है कि कैथरीन थ्रू ए डाइस 40 टाइम्स एंड नोटेड द नंबर्स एवरी यंग ईच टाइम ऑफ एज सोन बिलो। तो हमें क्या करना है, ये डाइस को थ्रू करा है और 40 बार करने के बाद उसके कौन से कब कितने बार फर्स्ट में 1, 2, 1, 5 जो जो नंबर्स आए हैं वो बता रखे हैं। तो इसमें बता रखा था मिनिमम नंबर ऑफ टाइम, मिनिमम नंबर सबसे कम टाइम कितने बार आया है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, फाइंड दोज नंबर दैट अपीयर एन इक्वल नंबर ऑफ टाइम। फर्स्ट हम क्या करेंगे, उसको टेलीमार्क्स जैसे बनाते हैं वैसे बना लेंगे। टेलीमार्क्स बताने के लिए टेबल बना लिए। नंबर्स टेलीमार्क्स नंबर ऑफ टाइम। अब नंबर्स हम देखेंगे, वन कितने बार आए हैं इसके पास, 7 टाइम 1 आए हैं इसके पास। तो हम 7 का मैं टेलीमार्क्स बताई थी, 1, 2, 3, 4 ये हमारे 5 हो गए। देन 2 सेकेंड, 2 कितने बार आए हैं, 6 बार आए हैं। 6 के टेलीमार्क्स कैसे लिखेंगे हम, 5 and 1, 6। 3 आए हैं हमारे पास 5, 4 आए हैं हमारे पास 4, 5 आए हैं हमारे पास 11 आए हैं। तो 11 ऐसे करेंगे हम, ये 10, देन 1, 6 आए हैं हमारे पास 7। अब ये हम देखें कि सबसे कम नंबर कौन सा आया है, द नंबर 4 जो है सबसे कम आए हैं, क्योंकि और सब कोई तो 7 बार आया है, कोई 5 बार आए हैं, कोई 6, कोई 7। तो सबसे जो छोटा नंबर है मैक्सिमम मिनिमम हम लेंगे, मिनिमम 4 है। द नंबर एपियर, द नंबर 4 एपियर मिनिमम नंबर। बी मैक्सिमम नंबर देखेंगे, मैक्सिमम नंबर 11 है। द नंबर 5, नंबर 5 जो है मैक्सिमम नंबर है। देन थर्ड क्वेश्चन में पूछ रखा है फाइंड दोज नंबर दैट अपीयर एन इक्वल नंबर ऑफ टाइम। इक्वल नंबर ऑफ टाइम जो है, एक तो 1 है, 1 and 6, 1 and 6 ये दोनों सेम टाइम आए हैं, 1 and 6। अपीयर एन इक्वल नंबर ऑफ टाइम, ऐसे करके हमें इसके नंबर्स निकालने हैं। टेलीमार्क्स पता है आपको कैसे निकालना है। थैंक यू।